नमस्कार दोस्तों, श्री किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं दही बड़े या दही भल्ले। तो उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए। मैंने दाल को 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया है और हम उसको अदरक और मिर्ची के साथ पीस लेंगे, मिक्सर में पीस लेंगे। मैं दाल को पीस चुकी हूँ। दाल, गर्म पानी और दही को फेंट लेना है। अब हम कुछ मसाले डालेंगे हमारी दाल में। लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक। आपको हरी धनिया ऐड करना हरी धनिया ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। दही में भी सारे मसाले डाल देंगे हम अगर आपको पसंद है तो, वरना आप प्लेन भी रख सकते हैं। और हम अपनी दाल को अच्छे से फेंट लेंगे हाथ से। हींग जरूर डालें। जितना अच्छा फेंटेंगे हमारे दही बड़े या दही भल्ले उतने ही अच्छे बनेंगे, सॉफ्ट सॉफ्ट। अच्छे से फेंटना हमको। यहाँ मैं तेल गरम होने रख दिया है। जब तक हम दाल को फेंटेंगे तेल गरम हो जाएगा। और हम इसमें थोड़ा सा सोडा भी, मीठा सोडा खाने वाला बेकिंग सोडा भी ऐड करेंगे, एक पिंच। फिर से उसको फेंटेंगे थोड़ा सा। तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम बनाएंगे हमारे दही भल्ले। बस दाल को अच्छे से फेंटिए, दही बड़े हमारे बहुत अच्छे बनेंगे। इसको आप कैसे भी शेप में बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं, हल्का सा प्रेस करके चपटा बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। देखिए कितने अच्छे फूल रहे हैं हमारे दही बड़े। हम इनको अच्छा मीडियम फ्लेम पे सुनहरा होने तक तल लेंगे, जिससे कि वो अंदर से भी सिक जाएं, कच्चे ना रहे अंदर। अब हम इनको और सेकेंगे थोड़ा सा। देखिए कलर कितना प्यारा आ गया है। हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और जो हमने गुनगुना पानी रखा हुआ है उसमें इनको 5 मिनट के लिए डाल देंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाएगा और सॉफ्ट भी हो जाएंगे। जब तक पानी में है जब तक हम बड्डू से दही भल्ले बना लेते हैं। लीजिए बन गए हमारे। मैं कुछ आपको प्रेस करके चपटे भी दिखाऊंगी। पानी में निकाल के दही में डाल देंगे। पानी को थोड़ा सा प्रेस करके निकालते जाएंगे। हमारे वाले दही बड़े भी तैयार हैं। सेम ऐसे ही हम इनको करेंगे, पानी में डालेंगे फिर दही में डालेंगे। और हम इन दही बड़ों को दही में डाल के थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। लीजिए मैंने ढक के रख दिए थे, कितने अच्छे फूल चुके हैं और दही बड़ों ने दही भी अब्सॉर्ब कर लिया अपने अंदर। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। हम इनके ऊपर चटनी डालेंगे हमारी, इमली की चटनी। आपको पसंद हो आप डालें, बगैर उसके भी खा सकते हैं आप, जैसा आपको पसंद हो। थोड़े से मसाले डालेंगे, काला नमक डालेंगे, काला नमक, जीरा पाउडर, चाट मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च। ये तैयार है हमारे दही बड़े। कुछ दही बड़े मैंने इस टाइप के बनाए हैं, आप इनको सूखा खाए बड़े टेस्टी लगते हैं। दोनों प्रकार के दही बड़े हमारे तैयार हैं। लीजिए तैयार है हमारे दही बड़े, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।